रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका नया दोस्त और होस्ट इरफान। हम चार महीनों के विराम के बाद एक बार फिर इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए वापस आ गए हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि रोशनी का ये कारवां पिछले 5 साल से अपने सफर पर है और आप भी हैं इसके हमराही। आगे बढ़ते हुए हम आपको याद दिला दें कि इस प्रोग्राम को आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.iway.org पर कल से ही सुन सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी समाज की प्रगति को, उसकी तरक्की को अगर आंकना हो तो उसकी महिलाओं को यानी स्त्रियों को देखो। हमारा समाज यूं तो पहले से ही महिलाओं की प्रगति के मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन हालात बदल रहे हैं और महिलाएं भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही हैं, और इनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो दृष्टिहीन हैं। ये एक अजीब विडंबना है दोस्तों कि समाज में दृष्टिहीन औरतों की संख्या पुरुषों से कम नहीं है, लेकिन गौर कीजिए कि स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसों के अलावा समाज के अनेक क्षेत्रों में जिस तरह दृष्टिहीन पुरुष कोशिश करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, उस तरह औरतें कम ही दिखाई देती हैं। वजह जो भी हो, लेकिन इस सच्चाई को चुनौती देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो हमारी इस सीरीज की तवज्जो होगी दृष्टिहीन महिलाओं पर कि कैसे ब्लाइंड और लो विजन लड़कियां और महिलाएं भी एक अच्छा, हंसता खेलता, आत्मनिर्भरता से भरपूर और पॉजिटिव जीवन जी सकती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में, वीना वर्मा। वीना NTPC दिल्ली में HR ऑफिसर हैं। वीना अपने परिवार के साथ एक संपूर्ण जीवन बिता रही हैं और समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही हैं। वैसे वीना के लिए शुरुआती जिंदगी कोई फूलों से महकती हुई नहीं थी। कैसी रही इनकी ये जद्दोजहद, बता रही हैं हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम को। नमस्कार वीना मेहता वर्मा जी। नमस्ते। आप NTPC में ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के ओहदे पे काम करते हैं, तो ये ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर जो है वो उनका काम क्या होता है? जितने भी आपके पास जो वर्क फोर्स है उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं? एक NTPC में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कई सारे सेक्शंस हैं। उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस में हम काम करते हैं। तो आपका स्पेसिफिक रोल क्या है? एक वर्क प्लेस पे जिस तरह की सेवाओं की जरूरत या सर्विसेज की जरूरत होती है उसका उपलब्ध करवाना मेरा काम है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या HR का जो काम है, ये काम करने के लिए एक व्यक्ति को किस प्रकार के क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ता है? पहली बात तो आपको मैनेजमेंट का कोर्स करना होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन आपकी ह्यूमन रिसोर्सेस में हो, तभी आप काम कर पाते हैं। और दूसरी बात कि आसानी से नहीं, आपको इसके लिए परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसको आप क्लियर करके फिर आपकी एंट्री होती है यहाँ पे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप दृष्टिहीन हैं तो आपके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया गया? इस कंपनी में एंट्री करने के लिए जो एग्जाम हुआ था उसके लिए मुझे स्क्राइब जरूर प्रोवाइड किया गया था कि आप, मैं उस एग्जाम्स को लिख पाऊं अच्छे से, और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला था मुझे। तो ये MBA कोर्स माना जाता है कि दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए उतना आसान नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम कठिन है और कई जगहों पर एडमिशन देने से भी लोग हिचकिचाते हैं, तो आपका कहानी क्या रहा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया, एग्जाम भी दिया, लेकिन जब बात आई रिजल्ट्स जानने की तो मुझे लिख करके मना किया गया कि अभी हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आपका एंट्रेंस क्लियर करने ना करने का तो सवाल पैदा होता नहीं है। NAB और हम लोगों ने मिलकर के, मतलब CCD को चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने कहा, CCD मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी को, कि हमारे 3% का जो रिजर्वेशन का है प्रोफेशनल कोर्सेज में मना कर रहे हैं। इस केस को उन्होंने टेकअप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही किया, और उसके बाद जब ये सॉल्व हुआ तो जितने भी AICTE अप्रूव्ड
इंस्टीट्यूट्स हैं, उन लोगों को डायरेक्ट किया गया कि जितने भी फिजिकली चैलेंज लोग होंगे उनको प्रोफेशनल कोर्सेज में 3% का रिजर्वेशन दिया। तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन मिला या आपको कहीं और जाके करना पड़ा? मेरा सिलेक्शन पुणे में एक वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करके है, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो इस कोर्स में आपका तो पढ़ाई यानी कि बुक्स पढ़ने का, क्लासेस अटेंड करने का, अप डाउन ट्रैवल का काफी चैलेंजेस आए होंगे बीइंग ब्लाइंड, तो इसका फेस आपने कैसे किया? हॉस्टल में मैं रहती थी, फॉर्चुनेटली मतलब उसमें लोग जितने भी फैकल्टी थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ज्यादा वो मेरे को इस तरह से ट्रीट करते थे कि नहीं आप कर सकते हो तो हम करेंगे। हाँ, जहां तक बुक्स पढ़ने की बात है, कंप्यूटर स्कैनर ये सब चीजें मैंने खरीदी ताकि मैं आराम से उसको पढ़ सकूं स्कैन करके। तो मैं लाइब्रेरी से बुक्स लाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ उनको बैठ करके जो भी चैप्टर्स है उनको मार्क करवा करके करना, और फिर रीडिंग या असाइनमेंट्स के लिए मैं कंप्यूटर और जो भी इंस्टीट्यूट में थे एक दो लोग वॉलंटियर्स जो मुझे रीड करने में हेल्प करते थे। आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है जी, ये कब से है और प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? मेरी आंखों का प्रॉब्लम बचपन से ही है, मैं अपने घर में पहली बच्ची थी तो पैदा होने के बाद उनको बहुत टाइम तक पता नहीं लगा था, 2 साल तक लगभग, क्योंकि दिखता था मुझे थोड़ा बहुत, फिर धीरे 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 ये कम होता गया। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे उनका ये मानना था कि दिखाई देने लगेगा, वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते रहे, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना ये। फिर अलीगढ़ में मेरी ट्रीटमेंट लास्ट थी, जो रशिया के एक डॉक्टर थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कम से कम अच्छा गाइड किया, मैं कहूंगी काउंसिल किया कि आप इतना पैसा ट्रीटमेंट में ना लगा करके इसको पढ़ाने में भेजिए। उस वक्त मेरी उम्र थी 11 साल, अब 11 साल की उम्र में आप समझ सकते हैं कि उस वक्त कौन सा स्कूल लेगा। लेकिन इसका मतलब आप 11 साल तक स्कूल गए नहीं? नहीं, मैं 11 साल तक बिल्कुल स्कूल नहीं गई, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी बहनें जब पढ़ती थी तो मैं उनके साथ बैठ करके उनके चैप्टर्स याद करती थी, और वो बाद में वो जब पूछते थे मैं उन्हें बताती थी। तो फिर आपने स्कूलिंग कब और कहां शुरू किया? नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आरकेपुरम में है, वहां पे गई, तो प्रिपरेटरी में मैं 1 साल रह के और 6th क्लास में डायरेक्टली मैं एडमिशन ले पाई। और एक और सवाल जो उठता है कि आज आप शादीशुदा हैं, अक्सर माना जाता है कि दृष्टिहीन लोगों को शादी करना मुश्किल है, तो आपका इस विषय के बारे में क्या राय है? जब मैं पढ़ाई करती थी मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, मुझे लगता था नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी क्योंकि बहुत मुश्किल आएगी, घर कैसे संभालेंगे, कैसे कैसे सब कुछ मैनेज होगा। आज मेरे हस्बैंड है लो विजन है, दिक्कतें आती है लेकिन उसके सोल्यूशंस हम ढूंढते हैं। कुकिंग के कहेंगे मैं सारा कुछ कुक करती हूँ, चाहे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कहें, सब कुछ मैं खुद से बनाती हूँ, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आग को आप टैकल कैसे करते हैं? मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि तुम्हारा हाथ जल गया तो क्या हुआ, मेरा भी तो जलता है। देखिए मैं ऐसे बर्तन यूज करती हूँ जो गर्म ना हो, या फिर ऐसा हैंडल हो जिसको पकड़ने में मुझे दिक्कत ना आए, और माइक्रोवेव मैं यूज करती हूँ, माइक्रोवेव मेरे पास टॉकिंग माइक्रोवेव है जो कि बोलता है कि आपका आप ऑन करते ही आपको सारे इंस्ट्रक्शन बताएगा, आप ये सेलेक्ट करें आप वो सेलेक्ट करें। ये आपको कहाँ से मिला? ये मैंने इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं नेट पे सर्च करते करते मुझे USA में मिल गया, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मिला मुझे। मिल्क बॉयलर मेरे पास है जो कि बेसिकली ज्यादातर वो साउथ इंडिया में यूज करते हैं, मुझे मालूम था, तो मैं मिल्क बॉयल करने के लिए गिरे ना तो वो सीटी आ जाती है। ये बोलता नहीं है लेकिन सीटी आती है, तो उससे मुझे पता लग जाता है। और किचन में आपके बर्तन सारे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो आपको कैसे मालूम कि ये दाल कहाँ पर है, चीनी कहाँ पर है? दाल चीनी के लिए मेरे पास सारे डब्बे हैं, मैं दालों को छूकर पता कर पाती हूँ, कोशिश ये रहती है कि अलग अलग डब्बे में रहे लेकिन याद थोड़ी रहेगा, तो मैं दालों को छूकर पता करती हूँ। तो अच्छा, दूसरा एक बात, घर सजाने में अक्सर रंगों का खेल आ जाता है, तो एज अ ब्लाइंड हाउसवाइफ या एज अ ब्लाइंड लेडी, तो ये चैलेंज को आप टैकल कैसे करते हैं? इसमें डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का हेल्प होता है। घर में अगर कर्टेंस हैं, ठीक है मैं पूछ लेती हूँ कि हमारे दीवारें कैसे कलर के हैं, तो उस हिसाब से मैं भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती हूँ। एक दृष्टिहीन व्यक्ति होने के नाते अगर 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें आपको सक्षम इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, वो क्या होंगे? पहली बात मैं मानती हूँ कि एक्सेप्टेंस, जिसको कि स्वीकार करना कि मेरे साथ ये दिक्कत है जी। अगर आपने मान लिया तब तो आप रास्ता खोजेंगे उसको किस तरह से मुझे जीना है। फिर दूसरा आता है अवेयरनेस, कि आप किसी तरह से जरूर हाथ पैर मारेंगे कि मुझे कहीं पे जरूर कुछ करना है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँ। जानकारी की तलाश मोबिलिटी सबसे एक बहुत अहम
है, मैं कहूंगी कि एक बार आप मोबिलिटी में सक्षम हो गए, मतलब मोबिलिटी में इंडिपेंडेंट हो गए, आपके अंदर का व्यक्तित्व, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो बोल्डनेस है, वो अपने आप आ जाती है। ठीक है, मैं हर चीज का ध्यान रखती हूँ कि मुझे किसके साथ जाना है, सब चीज जानकारी होती है, लेकिन फिर भी मैं ट्रैवल कर पाती हूँ कहीं पे भी, इसी वजह से क्योंकि मोबिलिटी में मैं सक्षम हूँ। वीना मेहता वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आके बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 0114607038 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर वीना के पेरेंट्स पढ़ाई पर जोर ना देते तो क्या वीना वहाँ पहुँच पाती जहाँ वो हैं? तो इस बात के लिए उन डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने वीना के पेरेंट्स को गाइड किया कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएं। वैसे भी हर माँ बाप को ये चाहिए कि लड़का हो या लड़की, दृष्टिहीन हो या दृष्टिमान, अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, क्योंकि ये उनका हक है और यही उनके भविष्य के लिए एक जरूरी कदम है। पेश है आईवे की नई सेवा जो नियमित रूप से देती रहेगी हर अहम जानकारी आपके मोबाइल पे फ्री। रजिस्टर करने के लिए बस एक बार SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि आईवे में हम अपने प्रोग्राम्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी देकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, और आईवे यह रोशनी का कारवां हमारा रेडियो प्रोग्राम इसी कोशिश का एक अहम हिस्सा है। इस रेडियो प्रोग्राम के अलावा हमारे 4 और माध्यम हैं जिनको मिलाकर ही हमारा ये अभियान एक मुकम्मल शक्ल अख्तियार करता है, यानी हमारी वेबसाइट, हमारा हेल्प डेस्क और हमारी SMS अलर्ट सर्विस और यहाँ होने वाले सेमिनार्स और वर्कशॉप्स। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को पहली बार सुन रहे हैं तो हम आपको बता दें दोस्तों कि हम अपने प्रोग्राम में पूछते हैं एक खास सवाल और देते हैं जीतने वाले लकी विनर को एक इनाम, और लकी विनर कौन बना ये हम बताएंगे 3 एपिसोड्स के बाद। तो तैयार हो जाइए आज के एपिसोड 141 यानी 141 के इनामी सवाल के लिए। आपको बताना है पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 या निशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार इनमें से किन शैक्षिक संस्थाओं यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विकलांग लोगों के लिए कम से कम 3% सीटें आरक्षित करना आवश्यक है। ए सरकारी संस्थाओं में, बी सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं में, या सी दोनों। याद रखिए अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए। आप SMS या ईमेल के जरिए अपना जवाब 3 दिनों में हमें भेज सकते हैं, और SMS या ईमेल करने के लिए सबसे पहले लिखें VB, फिर आज का एपिसोड नंबर और आपका जवाब अपने नाम और पते के साथ। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@eyewaywa.org, और SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 9968329329। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें 0114607038 सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप भी बन चुके हैं हमारे इस कारवां के हम सफर, जिसे हम कहते हैं आईवे यह है रोशनी का कारवां। इसी के साथ आपका दोस्त और होस्ट इरफान आपसे इजाजत चाहता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आईवे यह है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। जुड़िए इस कारवां से हर बुधवार रात 9 बजे विविध भारती पर। रोशनी का